कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 14 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज आपका उपविषय जो है वो है विविधता को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ज़मीन है ना, जैसे ज़मीन होती है, जैसा जलवायु होता है हमारा, उसी के हिसाब से ही वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ का उनका पहनावा होता है, उनका खाना पीना होता है और वहाँ के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए सर्दी मौसम है, ठंडा मौसम है, तो ज़मीन भी ठंडी होगी, बर्फीली ज़मीन होगी, है ना। तो वह जानवर कैसे होंगे, लंबे लंबे बालों वाले होंगे। वहाँ के लोगों का पहनावा कैसा होगा, मोटा होगा ताकि उन्हें सर्दी ना लगे, है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई गर्म इलाके वाली जगह है, गर्म जलवायु है, तो वहाँ की ज़मीन कैसी होगी, गर्म होगी, है ना। वहाँ एनिमल्स कैसे होंगे, ऐसे जो गर्मी को बर्दाश्त कर सके। वहाँ लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, हल्के हल्के कपड़े पहनेंगे, है ना। तो चलिए इसे पढ़ते ही, इसी को कहा जाता है विविधता। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो देश भारत है वो हर लिहाज से, हर एतबार से बहुत ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ है। वर्कशीट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि विभिन्नताएं हर जगह पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं हमें, ये कैसी होती हैं, ये विविधता कहलाती हैं। ठीक है, जो प्रत्येक जीव, वस्तु, जीव, समाज की विशेषता को दर्शाती है कि कौन सी वस्तु क्या है, कौन से समाज में इंसान की विशेषताओं को दर्शाती है। इस वर्कशीट में पता करते हैं कि क्या भूगोल विविधता को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल करती है। अगर ज़मीन प्रभावित नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। ज़मीन और जलवायु दो ही मेन चीज़ें ऐसी होती हैं जो विविधता को प्रभावित करती हैं। आओ आज हम भारत के दो विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पर आज आपको लद्दाख के बारे में लिखा है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर की जो पहाड़ियां हैं उनके हिस्सों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे खेती नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर उपजाऊ नहीं होगी ज़मीन, है ना, तो खेती भी नहीं हो पाएगी। ये इलाका वर्ष के काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, यानी कि टाइम में। अब यह क्या लिखा है, पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। लोग यहाँ अपने पास भेड़, बकरी और याक रखते हैं। इससे क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरियाँ पाई जाती हैं जो पश्मीनी ऊन पैदा करती हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। बोलते हैं कि यहाँ पे जो पानी का कोई स्रोत नहीं है, जो बर्फ़ पिघलती है उसको ही पानी बना के पिया जाता है, और यहाँ के जो लोग हैं वो भेड़ बकरियों को अपने साथ रखते हैं और इससे ही ऊन बनता है। कौन सा ऊन, पश्मीनी ऊन। भेड़ों के बालों का प्रयोग भी ऊन बनाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन चीज़ तथा मांस खाते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। उन, ठीक है, लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए अब आपको पता है यहाँ पे सर्दी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया कि भाई वहाँ पे जानवर भी वही पाले जाते हैं, लंबे बालों वाले, तो इसीलिए वो लोग दूध से बनी हुई चीज़ों को ही खाते हैं। और गर्मी, और देखिए ये सारी चीज़ें उनको थोड़ी सी गर्मी भी प्रोवाइड कराती है ना, गर्मी देती हैं, इसलिए ये इसे खाते पीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, कारण का पता लगाइए। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि क्योंकि वहाँ की जलवायु बहुत अधिक ठंडी होती है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन ये लिखा है, लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन जो है वो दूध से ही बने हुए पदार्थ या मांस क्यों है। चलिए तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती है इसलिए यहाँ खेती संभव नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, जानवर और उनसे बनी हुई चीज़ों को ही खाते हैं। यहाँ पर दूसरा राज्य जो आपको दिया गया है, ये भारत का केरल राज्य दिया गया है। तो देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। यहाँ मौसम भारी वर्षा होती है, यानी कि यहाँ पे मौसमी भारी वर्षा होती है। ठीक है, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काले मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यहाँ क्षेत्रीय व्यापारी
के लिए बहुत ही आकर्षित बना हुआ है, यानी कि क्योंकि यहाँ मसाले उगाए जाते हैं तो इसलिए ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित है। व्यापारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है और यहाँ का जो जलवायु है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्षा होती रहती है इसलिए यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। और वहाँ अधिकतर लोग जो है मछली और सब्ज़ी चावल के साथ ही खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चावल अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं तो यहाँ कम पैसों में भी मिलते होंगे चावल, है ना। केरल का पारंपरिक पहनावा धोती है, यहाँ इसे मुडू कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग धोती बोलते हैं वो लोग उसे मुडू बोलते हैं। मुडू सामान्य रूप सूती कपड़े से बनते हैं, यानी जो मुडू है यानी लुंगी जो है, इनकी लुंगी धोती जो भी बोलते हैं आप लोग, ये किससे बनाई जाती है, सूती कपड़े से बनाई जाती है। अब यहाँ लिखा है कारणों का पता लगाइए, तो चलिए कारणों का पता लगाते हैं। पहला कारण पूछा है इन्होंने, केरल के लोग पारंपरिक रूप से धोती ही क्यों पहनते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है इसलिए वहाँ के लोग जो है धोती पहनते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको लिखा है, केरल के लोग भोजन में चावल मछली और सब्जियाँ ही क्यों खाते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि केरल में वर्षा होती है इसलिए वहाँ की खेती अच्छी होती है और साथ में वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए वहाँ का जो मुख्य भोजन है वो मछली चावल और सब्जियाँ हैं। कर लेंगे चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। आपका हमें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।